एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, जिसको आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सत्ययुग रामायण काल की बात कर रहे हैं। जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इस गुफा के बारे में मालूम चला तो वे खुद को रोक नहीं पाए। जब वैज्ञानिक अपनी टीम बनाकर बाली की गुफा में घुसे तो उन्होंने जो पाया उसको देखकर उनके होश उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा, जो कि बाली के भाई थे, इस गुफा के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन बाली की गुफा के बारे में उतना कोई नहीं जानता। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने शोध किया तब ये साबित हो पाया कि ये सच में बाली की ही गुफा है। तो आइए जानते हैं उनको ऐसा क्या मिला जिससे उनके दोस्तों। बाली एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। इनका शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। बाली इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने रावण को भी मात दे रखी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाली की दुश्मनी उनके ही भाई सुग्रीव से हो गई, जिसके पीछे का कारण थी वो गुफा जिसको आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है, एक मायावी नामक दानव दिन प्रतिदिन बाली को युद्ध के लिए ललकारता था, क्योंकि उसको किष्किंधा नगरी चाहिए थी। पर जब बाली अपने भाई सुग्रीव के साथ राक्षस से युद्ध करने के लिए गया तो वो राक्षस दोनों भाइयों को देखकर भाग निकला और उस गुफा में जाके छुप गया। बाली उस राक्षस का वध करने उस गुफा में चला गया और अपने भाई सुग्रीव को उस गुफा की पहरेदारी में बाहर खड़ा कर दिया, ताकि और कोई उस राक्षस का साथी गुफा के अंदर न आ पाए। तकरीबन एक साल बीत गया था पर बाली बाहर नहीं आया, और भाई के वचन के अनुसार सुग्रीव बाली की प्रतीक्षा करता रहा गुफा के बाहर ही। लेकिन एक साल बाद सुग्रीव को उस गुफा के बाहर निकलता हुआ खून दिखा, तो सुग्रीव को लगा कि राक्षस ने बाली का वध कर दिया है और वो राक्षस बाहर आके किष्किंधा नगरी न छीन ले। इसलिए सुग्रीव ने एक बड़े भारी पत्थर से उस गुफा का मुख बंद कर दिया। लेकिन सुग्रीव सच से वाकिफ नहीं था। दरअसल वो गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढ के मारने में बाली को पूरा एक साल का समय लग गया था। पर जब बाली जीत कर वापस लौटे तो वो उस बड़े से पत्थर को देखकर मन ही मन सोचने लगे, शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। फिर बाली ने जैसे तैसे करके वो पत्थर हटाया और सुग्रीव को धक्के मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सुग्रीव अन्य वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन बाली की गुफा से हर कोई अनजान है। आज ये गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक के हम्पी शहर में स्थित है। वहाँ पर रहवासियों ने ये दावा किया है कि ये बाली की ही गुफा है। जब वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता चला तो उनकी जिज्ञासा उनको यहाँ शोध करने के लिए खींच लाई, लेकिन उनको अनुमान नहीं था कि ये गुफा इतनी गहरी होगी, तो वे वहाँ से चले गए। फिर वैज्ञानिक वापस से पूरी व्यवस्था के साथ शोध करने आए, अपने साथ खाना पानी लेके। वैज्ञानिक दो दिन तक सुराख ढूंढते रहे, लेकिन ठीक तीन दिन बाद वहाँ उनको एक विशालकाय नाखून प्राप्त हुआ। वो नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था, ना ही कोई जानवर का नाखून था, जिसे फिर शोध के लिए भेज दिया गया। जब वैज्ञानिक उस गुफा में और अंदर गए तो उन्होंने जो देखा उसको देखकर उनके होश ही उड़ गए। उस गुफा की दीवारों में कुछ लिखा था जो वैज्ञानिकों के समझ से परे था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो पता चला कि ये लिखावट करीब 7000 साल पुरानी है। दरअसल 7000 साल पहले वानर नाम की प्रजाति इसी तरह की लिखावट का इस्तेमाल किया करती थी। इन वानर प्रजाति का शरीर विशालकाय मनुष्य जैसा हुआ करता था और इनका मुख बंदर के जैसे होता था और इनकी लंबी सी पूंछ भी हुआ करती थी। उसके बाद जब उस नाखून का शोध किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि वो नाखून किसी भी इंसान का हो ही नहीं सकता, न ही किसी जानवर का। दरअसल मायावी राक्षस और बाली का युद्ध उस गुफा में हुआ था, तो ये प्रमाण दिया गया कि ये जरूर उस मायावी राक्षस का नाखून है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि ये गुफा सच में बाली की ही गुफा है, जो कि तुंगभद्रा नदी वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाके में स्थित है। दोस्तों आपका क्या मानना है इस घटना को लेके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।